कोरोना के संकट काल में प्रधानमंत्री के चुनाव क्षेत्र बनारस के मठ साधु और पंडित सबसे बुरे दौर से गुजर रहे हैं। पिछले 3 महीने से मठ मंदिर या तो फिर बंद है या खुले हैं, तो उनका हाल बेहाल है। कोरोना काल में वाराणसी के सबसे बड़े पातालपुरी मठ की हालत खस्ता हाल है, क्योंकि अब इनके पास मठ चलाने के संसाधन और पैसे नहीं बचे। कोरोना के इस दौर में अब संसाधन कम हो गए। 40 से ज्यादा बच्चे अपने घर लौटने को मजबूर हैं। श्रद्धालुओं यजमानों से मिलने वाली सहायता राशि बंद हो चुकी है, चढ़ावा बंद हो चुका है, मंदिरों के दान पात्र खाली हैं। ऐसे में अब पूजा पाठ से लेकर संस्कृत की पढ़ाई तक सब कुछ मुश्किल हो गया है। पातालपुरी मठ के संचालकों की माने तो आने वाले कई महीनों तक मठ और मंदिर अपने पैरों पर खड़े नहीं हो सकेंगे। भगत जगत आते थे, उनसे जो चढ़ोतरी होती थी कुछ आता, वो भी आना जाना बंद है। इसके बाद जो कथाएं होती थी, कथाओं के माध्यम से जो मिलता था वो भी आए, इस समय ठप है। ऐसी स्थिति में इन ब्राह्मणों की, इन बटकों की जो रोजी रोटी है, उस चलाना मठाधीश के लिए, महंत के लिए बहुत कठिन स्थिति आ गई। गंगा किनारे की ये मौजूद वीरानगी बरबस ही आपका ध्यान खींच लेती है। वो दशाश्वमेध घाट कभी सोचा नहीं था, जिस घाट पर भारतीय संस्कृति हमेशा से आबाद दिखाई देती थी, वहां मरघट जैसी वीरानगी कैसे छाई हुई है। किसी प्रकार का यात्री का आवागमन यहां पे बंद है, जिसके कारण यहां के जो पंडे पुजारी हैं घाट पे करने वाले, जिनका प्रतिदिन का जीविका यहां यहीं से चलने वाला था, उस पे बहुत खास ही प्रभाव पड़ा है। दशाश्वमेध घाट की आरती की अब वो भव्यता नहीं दिखती। कोरोना के इस काल में सिर्फ सांकेतिक आरती हो रही है। अनलॉक वन में बाबा विश्वनाथ का मंदिर खुला है, लेकिन श्रद्धालु यहाँ नहीं के बराबर है। सिर्फ 5 लोगों को एक बार में दर्शन की इजाजत है। देश विदेश से आने वाले श्रद्धालु इस वक्त वाराणसी नहीं आ रहे। संकट मोचन और काल भैरव मंदिर अभी तक बंद है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी का यह क्षेत्र कब अनलॉक होगा, इस पर सबकी नजरें टिकी है। नीरज कुमार और रोशन जायसवाल के साथ कुमार अभिषेक, वाराणसी आज तक।